कि जो ये बिहार में शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया उसका बहुत ही नुकसान हुआ। आप सब जानते हैं कि जो बिहार में अपना संसाधन तो बहुत ही कम है, तो जो 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया आबकारी से आता वही खत्म। 300 से 400 करोड़ रुपया आप खर्च करते हैं शराब पकड़ने में, स्थिति क्या है पूरे बिहार में आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि सब जगह अवैध शराब का कारोबार, तो राजस्व का भी नुकसान, और सब लोग जो है इसको बिल्कुल मजाक बना रखा है। और एक और भी बात है कि बहुत सारे लोग इसके चलते जेलों में बंद हैं। देखिए, खान पान के संबंध में कानून बनाना और उसको लागू करना इतना आसान नहीं। लोहिया जी भी कहा करते हैं कि खान पान पर जरा सा कानून बनाने में सोचना चाहिए। हाँ, शराब को कोई नहीं कहेगा अच्छी चीज़ है, लेकिन शराब बंद कैसे है? माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ कानून का रास्ता अपनाए, कानून के रास्ता से नहीं शराबबंदी हो। आपको पूरा का पूरा बिहार में जन जागरण करना पड़ेगा, वर्षों तक करना पड़ेगा, तब जाकर के धीरे धीरे माहौल बनेगा। अब जो लोग शराब नहीं पीते हैं कानून के डर से नहीं पीते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार का उनका बैकग्राउंड रहा है, जिस प्रकार के उनके पढ़ाई लिखाई रहती है, जिस प्रकार से लोग के पास बैठते उठते हैं, नहीं पीते हैं लोग। लेकिन कानून के जरिए से शराबबंदी जो आप किए हुए ना, वो तो मैं एक बार नहीं, मैं तो दर्जनों बार कह चुका हूँ जी कि पूरी तरह से फेल, और मुख्यमंत्री जी उसको मानने को तैयार नहीं। आप नहीं मान रहे हैं तो बिहार का नुकसान तो हो ही रहा है। आप जरा सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री 17 वर्षों से हैं बिहार के मुख्यमंत्री, अब नालंदा राजगीर जिस इलाके में हम लोग हैं, आज तक ये कोई 5 स्टार होटल आया है? अब जितने भी हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो कहाँ रुकते हैं? बनारस में रुकते हैं, बस पर आते हैं, बस पर लौट करके चले जाते हैं। अगर यहाँ व्यवस्था होती, रिसॉर्ट होते, इतने इस प्रकार के होटल्स होते तो लोग आते, और आप जानते हैं कि हमारे लोगों को रोज़गार मिलता, बहुत लोगों को रोज़गार मिलता, बहुत ट्रांसपोर्टरों को रोज़गार मिलता। लेकिन अब उनका एक जिद है, तो जिद का तो कोई इलाज होता नहीं। मांझे जी को कहना कि गरीब आदमी जो दारू पीता है, अब बड़े लोग का जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को कहते हैं? क्यों इसको बिना मतलब का एक मुद्दा बनाए हुए? इसमें देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक कमेटी बना लेनी चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए पूरे इन सब चीज़ों पर विचार कर। और देखिए, दोनों चीज़ का बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अभी आप हमको, मैं बता दूं, मैं सवेरे से 9 बजे से सड़क पर हूँ जी, सिर्फ जो नेशनल हाईवे है